वेलकम दोस्तों, हमें एक फ्रेंड ने पूछा था सेंट्रल एसी है, डक्टेबल एसी है, उसे ग्रिल से जो हवा आता है बहुत कम आता है, कैसे हम ये हवा को स्पीड बढ़ा सकते रहेंगे, या फिर क्या रीजन होता है जो एयर फ्लो रहता है एसी से कम हो जाता है, लो होने का एयर फ्लो का क्या क्या रीजन हो सकता रहेगा। ये हमारा सिस्टम सभी पर लागू होता है जो चीज हम बताने वाले हैं। यहाँ पर स्प्लिट एसी हो गया, डक्टेबल एसी हो गया, सेंट्रल एचयू कोई सा भी रहेगा, जो चीज प्रोसेसर बताएंगे एक कॉमनली बताएंगे सभी पे वर्क हो सकता रहेगा। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत से लोग का होता है, प्रॉब्लम बहुत से लोग एसी वालों का होता है, जो रूम में हवा जो बहुत कम आता है, हमारा सिस्टम सब कुछ चल रहा है, मोटर कंडेंसर फ्लोर सब कुछ चलता है, फिर भी जो हवा आना रहता है जिससे वो बहुत कम आता है। अगर इस तरह से कम आता है या फ्लोर रूम में कम है तो कंडीशन में क्या होगा, हमारा प्रॉपर जो है रूम ठंडा भी नहीं हो जाएगा, जल्दी जो है रूम ठंडा भी नहीं हो पाएगा, ये प्रॉब्लम होता है। तो क्या क्या रीजन हो सकता रहेगा, अगर आपको मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ASR सर्विस सेंटर, सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं मरजीत फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। तो एयर कंडीशनर नॉर्मल बेसिक चीजें हम स्टार्ट करते हैं, स्प्लिट विंडो नॉर्मल सब कोई सा भी एसी रहता है उसमें एयर फिल्टर जरूर लगा रहता है। एयर फिल्टर बेसिकली करता क्या काम है, ये हमारा एयर को जो हवा रहता है उसको फिल्टर करता है, प्योर करता है, जो डस्ट वगैरह है न जाए या जो ही हमारे रूम में न आए, फर्स्ट ये हो गया। उसके साथ साथ में जो हमारा एवापोरेटर रहता है उसको भी प्रोटेक्ट करता है, वो भी ज्यादा गंदा ना हो, डस्टी ना हो, ब्लॉकेज ना हो। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है एयर फिल्टर जो रहता है यह ब्लॉक हो जाता है, बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, डस्ट हो जाता है, उसके बहुत से लोग केयर नहीं करते रहते हैं, ऑफिस में हो गया, चौल किधर हो गया, नेशनल एरिया है, कहीं पे भी चल रहा है तो एसी चलते रहता है, बट उसका जो केयर नहीं कर सर्विस प्रॉपर नहीं करेंगे तो कंडीशन में फिल्टर रहता है ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक होने से क्या होता है, जो हवा रहता है वो सक नहीं कर पाएगा, यहाँ पर ब्लोअर हमारे थोड़ा चल रहा है बट जो हवा होना चाहिए जो हमारा सक करेगा, यानी पीछे से खींचेगा तभी तो आगे थ्रो करेगा, फेंकेगा, जब पीछे से नहीं खींच पा रहा है, ऊपर से हवा जो है नहीं खींच पा रहा है तो आगे नहीं फेंक पाएगा। तो कंडीशन में फर्स्ट हमारा ये आता है कॉमनली सबसे ज्यादा केस होता है फिल्टर ब्लॉक होना, इसे निकाल करके सर्विस करेंगे, ठीक करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्लीन होना चाहिए फर्स्ट। उसी तरह से नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा जो फिन्स लगा हुआ है, इवेपोरेटर रहता है, कॉइल जो रहता है, उसके बाद में ये भी जो है ब्लॉक हो जाता है, इवेपोरेटर या फिल्टर हमारा विंडो स्प्लिट एचयू सभी में रहता है। तो कोई सा भी एसी है अगर हवा हमारा कम आ रहा है, फर्स्ट इसे आप चेक कर सकते रहेंगे एयर फिल्टर सही है या नहीं। उसके बाद सेकेंड स्टेप में लेंगे हमारा जो क्वाइल रहता है, इवेपोरेटर है, उसे हमें चेक करना है ये क्या गंदा तो नहीं है। अब इसके अगर गंदा रहेगा, डस्टी रहेगा तो कंडीशन भी सेम प्रॉब्लम होगा, हवा जो है रूम में नहीं जाएगा प्रॉपर, फास्ट नहीं जाएगा, हवा करेगा बट स्लो करेगा, तो कंडीशन में हमारा आइस आने का समस्या होता है, रूम में कूलिंग प्रॉपर नहीं हो पाता है, जल्दी नहीं हो पाता है, हवा का फील नहीं हो पाता है, तो ये भी हमारा मेन रीजन होता है। इसे भी हम जेट पंप से वाटर सर्विस करेंगे, प्रॉब्लम में सॉल्व हो जाएगा। अगर ये भी हमारा सही है, उसके बाद में आ जाता है हमारा सिस्टम में जो एयर ब्लोवर रहता है, ब्लोवर व्हील है, ये भी बहुत ज्यादा डस्टी होना, गंदा होना, कचरा होना। अगर ये ब्लोवर व्हील जो है ये भी हमारा पूरा गंदा है, डस्ट इसके ऊपर जमा हुआ है, तो भी क्या होता है, इसके वजन हो जाता है, इसका स्पीड जो रहता है स्लो हो जाता है, लोड होने में स्पीड स्लो हो जाता है। इसके अंदर जो फिन्स रहते हैं, व्हील के अंदर जो फिन्स लगे रहते हैं, ये हवा प्रॉपर ज्यादा सर्कुलेट नहीं कर पाता, ज्यादा सराउंडिंग नहीं खींच पाता है, फेंक पाता है, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, सर्विस होना चाहिए, ये भी हो गया। उसके बाद में अगर ये भी हमारा सही है, उसके बाद में और क्या हो सकता रहेगा, मोटर जो रहता है, सॉरी जो मोटर है जो हवा घुमा रहा है, मोटर का कई बार होता है स्पीड कम हो जाता है, वो कैसे कम हो जाता है, जो मोटर रहता है उसके अंदर बैरिंग लगे रहते हैं, बुश लगे रहते हैं, बैरिंग कई बार होता है जाम हो जाता है, बैरिंग का जाम हो जाएगा या बुश जाम हो जाएगा तो ऑफकोर्स उसका जो स्पीड है लो हो जाता है, स्लो हो जाता है, तो कंडीशन में भी प्रॉब्लम होता है। ये चीजें आप जरूर केयर करें बाइक से, अगर सबका सर्विस भी किया हुआ है, एयर फिल्टर वगैरह सब कुछ क्लीन है, तो ये चीजें आप ध्यान कर सकते रहेंगे, केयर कर सकते रहेंगे। अगर ये भी आपका सही है, उसके बाद क्या प्रॉब्लम हो सकता रहेगा, आगे और भी हम जानेंगे। इसके अंदर जो मोटर रहता है, मोटर के अंदर कैपेसिटर लगा रहता है, अगर कैपेसिटर लगा हुआ है, अगर ये भी आपका वीक है, प्रॉपर नहीं है, तभी भी प्रॉब्लम होगा, इसका स्पीड जो है फास्ट नहीं चलेगा। अगर ये भी सही है तो उसके बाद हमारा वोल्टेज का प्रॉब्लम हो गया, अगर एसी में हमारा वोल्टेज लो है,
तभी भी प्रॉब्लम क्या होगा, स्पीड ज्यादा स्पीड में नहीं चल पाएगा या स्टार्ट नहीं होगा। जब स्टार्ट हो जाएगा लो रहेगा तो मोटर है तो उसका स्पीड जो है लो हो जाएगा, कम चलेगा। तो ये सब चीजें जो हमें फर्स्ट चेक करना है, जो नॉर्मल डक्टलेस एसी है या नॉर्मल एसी है या डक्ट वाला भी है, तो मोटर में हमने चेक कर लिया है ये नॉर्मल इस तरह से वर्क कर रहा है। बट बहुत से जो हमारा एसी जाते हैं बेल्ट ड्राइव रहते हैं, यानी कि जो एचयू हो गया, पैकेज एसी हो गया, सेंट्रल हो गया, जो बड़े डक्टल वाले एसी होते हैं एफसी, उसके अंदर उसे बेल्ट लगे रहते हैं। अगर बेल्ट कई बार होता क्या है, इसका बेल्ट लूज हो जाता है या फिर टूट जाता है, क्रैक हो जाता है। टूट गया है तो थोड़ा सा भी हवा नहीं आएगा, चलेगा ही नहीं। बट ये क्या होता है, लूज हो जाएगा या फिर क्रैक हो जाता है, स्लिप हो जाता है। ये चलता है लूज हो जाएगा। लूज हो जाने की वजह से क्या होगा, वो कंडीशन में भी आपका स्पीड जो रहता है, आरपीएम जो रहता है व्हील का, ब्लोअर का, वो कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो कंडीशन में सेम प्रॉब्लम होगा, हमारा रूम में हवा तक पूरा पर नहीं पहुंच पाएगा। ये भी सब चीजें जो है मेन, हमारे जो पैकेज सी सेंट्रल बड़े जो एसी रहते हैं, ये कॉमन रहता है, फॉल्ट रहता है वो बेल्ट का टूटना, बेल्ट जो है लूज होना, स्लिप होना। ये सब चीजें आप इंपॉर्टेंट चीज है, देख सकते रहेंगे, केयर कर सकते रहेंगे। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज हो गया, अगर हमारा डक्ट एसी नॉर्मल, तो आप स्प्लिट एसी है तो डायरेक्ट हमारा रूम में ही थ्रो कर रहा है, तो वहां से आप उसको देख कर सकते रहेंगे, केयर कर सकते रहेंगे, इसको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते रहेंगे। बट कई बार होता है जो हमारा डक्ट टाइप एसी रहता है, डक्ट वाला एसी है, उसके अंदर ग्रिल से हवा नहीं आ रहा, इसे हमें प्रॉपर चेक करने के लिए एयर वेंट मीटर आता है, जो एयर को मीटर को लगा करके स्पीड चेक करते हैं, कितना स्पीड से थ्रो कर रहा है, कितना आरपीएम से हवा आ रहा है। इसका अलग पार्ट में जाने की स्पेशल वीडियो रहेगा। बट अगर हमारा ये डक्ट एसी वाला है, डक्ट का एग्जांपल डक्टेबल पैकेज सेंट्रल जो भी है, उसके अंदर भी अगर सब कुछ हमारा मोटर सही है, ब्लोअर अगर सब कुछ सही है, फिर भी जो हमारा आता है हवा प्रॉपर रूम में नहीं आ रहा है या दूसरा रूम में हवा जा रहा है। कई बार ऐसा केस होता है, जो अगर चार रूम है, एक ही एसी लगा हुआ है, डक्ट लगा हुआ है, तो कंडीशन में क्या होता है, दो रूम में बहुत अच्छा फास्ट हवा जा रहा है, एक रूम में हवा नहीं जा रहा है। वो कंडीशन में होता क्या है, इसके अंदर एयर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए सर्कुलर के अंदर थर्माकोल लगा रहता है, या कोई कटआउट लगा रहता है, या फिर डैम्पर लगा रहता है। नॉर्मल एसी रहता है डैम्पर रहेगा, या बहुत से एसी रहता है उसमें मोटराइज वाल्व लगा रहता है, जो एक्चुएटर लगा रहता है, जो डैम्पर को अप डाउन करता है, ओपन क्लोज करता है। तो यहां से अगर मोटर भी अगर खराब हो गया है बंद पोजिशन में या हाफ बंद पोजिशन में हो गया है, तभी प्रॉब्लम हो जाएगा। जो से डक्ट में, जो से ब्रांच में क्लोज हो गया, वो एरिया में हवा नहीं जाएगा। तो वहां से हमें जो डैम्पर रहता है उसे चेक करना चाहिए, ये हमारा पूरा ओपन है या क्लोज है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप क्लियर कर सकते रहेंगे, चेक कब कर सकते रहेंगे। ये भी अगर सही है तो कई बार होता है जो डक्ट रहता है, इसका इंसुलेशन ऊपर जाता है, वो निकल जाता है, या फिर डक्ट जो रहता है लीक हो जाता है, कहीं से क्रैक हो गया, कहीं से ज्वाइंट वगैरह छोड़ दिया है, कैनवास जो रहता है फट गया है, तो कंडीशन में भी सब प्रॉब्लम होगा। हवा जो है वहां से ही निकल जाएगा, निकलने के बाद क्या होगा, जो रूम तक हवा जाएगा प्रॉपर पूरा 100% नहीं जा पाएगा, 60-50% भी जा पाएगा, बाकी हवा अदर रूम अदर साइड में ही वेस्ट हो जाता है, निकल जाता है। तो प्रॉब्लम ये भी होता है। अगर सब कुछ हमारा सही है तो कंडीशन में हमें ये सब चीजें चेक करना चाहिए, कैनवास हो गया, डैम्पर वगैरह हो गया, या ज्वाइंट वगैरह हो गया, कहीं से ओपन हो गया रहेगा। अगर ये भी चीज सही है उसके बाद क्या हो सकता रहेगा, ये तो हमने सप्लाई में चेक कर लिया है। उसके बाद जो रिटर्न डक्ट रहता है, अगर रिटर्न डक्ट लगा हुआ है, रिटर्न डक्ट भी ब्लॉकेज रहेगा, बंद रहेगा, क्लोज रहेगा, तो कंडीशन में भी सेम प्रॉब्लम होता है। क्योंकि कोई भी चीज है अगर शक होता है तो डिस्चार्ज होना चाहिए, डिस्चार्ज हो रहा है तो शक होना चाहिए, तभी हमारा डिस्चार्ज हो गया। यानी कि जो खींच रहा है वहां से अगर बंद हो गया है, यहाँ से एग्जाम्पल ले, हमारा हवा का स्रोत है, यहाँ से हमने हवा इधर से आ रहा है, यहाँ से बंद कर दिया गया, हवा यहाँ से मोटर चल रहा है, हवा खींच नहीं पाएगा, यहाँ से लाजिम हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज, हवा आना चाहिए, हवा यहाँ से आ रहा है तभी आगे थ्रो करेगा, फेंकेगा, भेजेगा। तो हमें जो रिटर्न रहता है, डैम्पर है या फिर रिटर्न डक्ट लगा हुआ है, ये सब चीजें चेक करना चाहिए, अगर सब कुछ सही है, वर्क कर रहा है प्रॉपर। तो और भी बहुत से रीजन होते हैं, कामली चीजें जानेंगे, ये आपके माइंड में क्या चीज है वो भी आप पता कर सकते रहेंगे, आपके अंदर क्या केस हुआ था, कैसे आप सॉर्ट आउट किए हैं, और बहुत से अलग अलग तरीके से अलग अलग साइड पर भी और बहुत से प्रॉब्लम आते हैं, तो वन बाय वन और भी आगे प्रैक्टिकली चीजें जानने वाले हैं। कूलिंग नहीं हो रहा है, वायरिंग का है, एचवीएसी सेंट्रल एसी पैकेज एसी का, बहुत से ट्रबल शूट का वन बाय वन वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते रहें, चेकआउट कर सकते रहें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरह से कोई आप सीखने के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने में जो बेल आता है, ऑल नोटिफिकेशन आप उसको ऑन जरूर करें।
अगर आप ऑनलाइन कोई सा भी टूल्स स्पेयर पार्ट्स वगैरह खरीदना चाहते हैं, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिकल एसी, फ्रिज का कुछ भी पार्ट्स खरीदना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, विजिट करके बाय कर सकते रहेंगे। बहुत से अभी स्पेयर पार्ट्स का ऑफर चल रहा है, तो ये वीडियो और भी लोग पास शेयर करें। जो लोग कोर्सेज कर रहे हैं, नए टेक्निशियन है, वो लोग पास शेयर करें, वो लोग भी जान सके, सीख सके इस तरह से क्या क्या पार्ट होता है हमारे एसी में, हवा जो कम होने का रीजन क्या क्या हो सकता है, और कैसे हवा को स्पीड को हम बढ़ा सकते रहेंगे, कर सकते रहेंगे। स्पीड का इसका हवा बढ़ाना है तो हमारा जो भी एयर फिल्टर सब कुछ सही होना चाहिए, सर्विस प्रॉपर हमेशा होना चाहिए, एवरी ईयर एनुअल सर्विस हमेशा होना चाहिए, तभी इसका प्रॉपर स्पीड आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ऐसा करता हूँ, आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिला तो वीडियो का फीडबैक दिए क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा, आगे और क्या चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।